हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता और जीएसटी काउंसिल की 31st मीटिंग्स में न्यू जीएसटी रिटर्न्स को लेकर भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें कहा गया कि जो नई जीएसटी रिटर्न्स होंगी वह अप्रैल 2019 से ट्रायल बेसिस पर शुरू की जाएंगी और 1 जुलाई 2019 से उनको मैंडेटरी बेसिस पर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। न्यू जीएसटी रिटर्न टू बी लॉन्च्ड ऑन ट्रायल बेसिस फ्रॉम 1st of April 2019 एंड ऑन मैंडेटरी बेसिस फ्रॉम 1st of July 2019। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीएसटी काउंसिल की 28th मीटिंग में यह डिसाइड किया गया था कि जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा और उनकी जगह रिप्लेस करके न्यू सिंपल जीएसटी रिटर्न्स फॉर्म्स लाए जाएंगे। तो ऐसे में जैसा कि जीएसटी काउंसिल ने अपनी 31st मीटिंग में कहा है, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अप्रैल 2019 से न्यू जीएसटी रिटर्न्स हम फाइल कर पाएंगे ट्रायल बेसिस पर और 1 जुलाई 2019 से हम मैंडेटरी बेसिस पर न्यू जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे। तो यहां पर देखने वाली बात रहेगी कि अप्रैल 2019 से न्यू जीएसटी रिटर्न्स ट्रायल बेसिस पर शुरू कर दी जाती है या नहीं और किस तरह उनको 1 जुलाई 2019 से मैंडेटरी बेसिस पर एप्लीकेबल किया जाता है। ऐसे में न्यू जीएसटी रिटर्न्स को लेकर जो भी फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड किए जाएंगे, जो भी फॉर्म्स अनाउंस किए जाएंगे, हम उनको टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे ताकि न्यू जीएसटी रिटर्न्स को लेकर आप लोगों को कोई परेशानी ना आए और पहले से ही आप उनके लिए प्रिपेयर रहें। फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप भी GST से जुड़े सभी अपडेट्स को पाना चाहते हैं, एंड आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।